कक्षा 7 से जिन बच्चों का बाल विवाह नहीं होता उनका जीवन कैसा होता है पे अपने विचार बांटना चाहता हूँ। बाल विवाह एक बहुत पुरानी प्रथा है जो कि जिसमें छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती है। इसके ये दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि दहेज, यह एक ऐसी रस्म है जिसमें जितनी बड़ी लड़की उतनी बड़ी रकम देनी पड़ती थी लड़की के माँ बाप को, और जितनी छोटी लड़की उतनी छोटी रकम लड़कियों लड़की के माँ बाप को देनी पड़ती थी। दूसरी चीज़, लड़कियों को हमेशा से बोझ माना जाता था। इसी वजह से जब भी कोई लड़की पैदा होती थी, एक छोटी सी लड़की जो कि 2 मिनट की है, उसको या तो पलंग के नीचे दबा के मार दिया या उसको पॉलिथीन के अंदर बंद करके नाली में फेंक दिया, या अगर बच्ची को नहीं मारा तब उसकी शादी करवा दी जाती थी। यह प्रथा 21वीं सदी में भी चली जा रही है। अब इसके लिए बस दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या बाल विवाह चलेगा या ख़त्म होगा, ये आप पे है। और अगर मैं बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का बाल विवाह नहीं होता उनकी ज़िंदगी के रास्ते में गुलामी नहीं सिर्फ और सिर्फ आज़ादी होगी। आज जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी अगर बचपन में ही शादी करवा दी जाती तो आज जितनी इज्जत उनके लिए है वो नहीं होती। और क्योंकि जब बच्चों का बाल विवाह नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट वर्क्स में बहुत हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हीं में ही दम होता है पढ़ाई करके बहुत बड़ा बनने का। धन्यवाद।